हाय एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम टू न्यू लूमिस मेथड डेमोंस्ट्रेशन वीडियो। तो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ अदिति राव हैदरी को। ये जो रेफरेंस फोटो है हीरा मंडी मूवी से, वो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंस फोटो के ऊपर जो लूमिस लाइन है, वो मैं एक डिजिटल ड्रॉइंग ऐप को यूज करते हुए ड्रॉ करने वाला हूँ। इसके ऊपर अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल में मोस्ट पॉपुलर जो वीडियो है ये वाला, ये आप लोग देख सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रोक्रिएट। अगर आप लोग एंड्रॉयड ऐप में कर रहे हो तो आप हाई पेंट यूज़ कर सकते हो। तो हाई पेंट ऐप में आप लोग ऐसे जो रेफरेंस लाइन्स है वो ड्रॉ करने हैं आप लोगों को, ठीक है। कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ वो देखो। सर्कल कहाँ पर बिठा रहा हूँ, सर्कल के पहले आप लोगों को आईब्रो का लाइनिंग, नोज का लाइनिंग, चिन का लाइनिंग, फोरहेड का लाइनिंग, ये सारी चीज़ें पहले कर लेना है। उसके बाद सर्कल बिठाना है और उसके बाद जो ये साइड का सर्कल है ये ड्रॉ करना है। फेस क्योंकि ये फोटो थोड़ा साइड एंगल में है तो जो मिडिल का वर्टिकल लाइन है वो भी थोड़ा साइड एंगल में हुआ, और जो आईब्रो लाइन है, नोज लाइन है, वो भी थोड़ा एंगुलर ऊपर की तरफ हुआ। तो पूरा फेस का एंगल थोड़ा इफर लेफ्ट साइड में है, तो ऐसे मैंने बिठाया है। पूरा जो सर्कल है देखो, सर्कल ऊपर की तरफ हेड जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर टच कर रहा है, राइट साइड में हेड जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर टच कर रहा है, और लेफ्ट साइड में थोड़ा बाहर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्कल है वो एकदम करेक्ट पोजीशन में बैठेगा। ऑलमोस्ट देखो पूरा जो लाइनिंग है वो मेरा अब कंप्लीट है। ये हो जाने के बाद थोड़ा फिनिशिंग टचेस देके इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो ये है रेफरेंस फोटो। रेफरेंस फोटो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो यहाँ पर मैं पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्रशस्ट्रोक का 200 GSM पेपर। आप लोग 140 GSM का भी पेपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जो रेफरेंस फ़ोटो है, रेफरेंस फ़ोटो में जो सर्कल है उसका साइज़ यहाँ पर आप लोग माप ले सकते हो। ये अगर नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर मेरा माप है 10.5 सेमी ऐसे वर्टिकली। तो उसका हाफ क्या होता है, उसका हाफ होता है 5.2। मुझे तो यहाँ पर फिर 5.2 लेना है और उसे लेकर यहाँ पर सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। आप लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हो, पर रेफरेंस फोटो को उतना ही आप लोग जूम इन या फिर जूम आउट करके रखना जितना आप लोग ड्रॉ कर रहे हो। ओके, तो ऐसे मैंने सेम साइज़ में कर लिया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो मेन वर्टिकल लाइन है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर वर्टिकल तो है तो, पर वो थोड़ा एंगुलर फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा साइड एंगल है फेस। तो ये ऊपर कहाँ पर सर्कल को टच कर रहा है और नीचे सर्कल को कहाँ पर टच कर रहा है, ये मुझे देखकर अंदाजे से करना होगा, और वैसे एक कर्व लाइन से यहाँ पर उसे ऐसे कनेक्ट करना होगा। तो ये होगा फर्स्ट स्टेज, मतलब फर्स्ट लाइनिंग। ये हो जाने के बाद मैं अब जो बाकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो दूंगा। कौन से हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड कर लिया है, उसके बाद ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जो आईब्रो का है उससे मैं ऊपर और नीचे दो हिस्से में डिवाइड कर लूँगा। तो ये लाइन भी थोड़ा एंगुलर होगा, लेफ्ट साइड में थोड़ा नीचे है, राइट साइड में थोड़ा ऊपर है, तो एंगल कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ऐसे हो गया। अब बाकी डिविजन्स जो है वो मुझे यहाँ पर रेफरेंस फोटो में देख देख कर कर लेना है कौन सा लाइन कहाँ से गया है। लूमिस लाइंस आप लोग पेपर में जब ड्रॉ कर रहे हो तब बहुत ही सावधानी बरतते हुए आप लोगों को करना है। लूमिस लाइंस आप लोगों का जितना परफेक्ट होगा बाद में जाके आपका जो ड्राइंग है वो भी उतना परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर हड़बड़ी एकदम ही मत करो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। आप चाहो तो ऐसे माप माप के मेजरिंग टूल्स हैं, मेजर करके करके भी कर सकते हो आप लोग अगर बिगिनर हुए तो। पर ये जो लूमिस लाइन है इसे जितना हो सके अच्छे से बनाओ। ओके, तो ये तो ऐसे देखो इतना दूर तक हो गया। अब साइड का जो छोटा सर्कल है वो भी कर लूँगा। ये सर्कल नीचे जो नोज लाइन है और ऊपर जो फोरहेड लाइन है उसे टच करेगा, पर बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो मैं यहाँ पर माप ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे माप कर सकते हो या फिर हाथ से आई ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, या पर ईजी करने के लिए या पर मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग ऐसे डिवाइडर से माप भी ले सकते हो। तो ऐसे मैं अब जो ये सर्कल है ये ड्रॉ करूँगा। नाउ ये स्टेज होने के बाद लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। जैसे कि मैं हर एक पोर्ट्रेट ड्राइंग वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आप फेस ड्रॉ करो सबसे पहले आईब्रो एंड नोज से स्टार्ट करो, तो यहाँ पर वैसे ही करो। अब देखो कुछ क्रूच ग्रेड मेथड जैसा ही है। आप लोगों को यहाँ पर जो लूमिस लाइंस है उसमें देखना है कि लाइंस के कहाँ पर जो आईब्रो का कौन सा एरिया है वो टच हुआ है, वो आप लोगों को ध्यान में देना, और जो शेप है शेप को समझना है। ऐसे अगर आप नॉर्मल आईब्रो ड्रॉ कर दोगे तो नहीं होगा। यहाँ पर रेफरेंस फोटो में जैसा दिख रहा है आईब्रो का शेप वैसा आप लोगों को ड्रॉ करना है। सेम यहाँ पर नोज़ पर भी, नोज़ पर देखो नीचे ऐसे एक ट्राइंगुलर टाइप का एक यूनिक सा शेप बनाए। जब आप लोग कोई भी रेफरेंस फोटो देख रहे हो ना,
नॉर्मल आई से देखोगे तो डिटेलिंग ज़्यादा ध्यान में आएगा पहले, तो पहले पहले थोड़ा ब्लर आई से देखो तो एक शेप जो है वो नज़र में आएगा। तो शेप्स को ढूंढने के लिए आँख को थोड़ा ब्लर कर सकते हो, ब्लर करके देखो तब आप लोग जो शेप्स हैं वो ध्यान में आएगा। और शेप्स को पहले करो, ठीक है, ऐसे सिंपल शेप में ड्रॉ करो, डिटेलिंग में बाद में जाना, पहले वो ढूंढो। और जो शेडो और लाइट से भी यूनिक यूनिक शेप, यूनिक यूनिक लाइंस बने हैं वो भी ड्रॉ करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, फेस को मैच करने में। तो आईब्रो एंड नोज हो जाने के बाद उसके बाद आईज ड्रॉ करो। आईज जब मैं यहाँ पर ड्रॉ करो, ऊपर का जो भाज है वो पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद नीचे का जो आई का लाइन है वो ड्रॉ करो, और उसके बाद एकदम नीचे वाला करो। और जब आप लोग कर रहे हो दोनों आँख को एक साथ साथ ड्रॉ करो, ऐसे नहीं कि एक आँख पूरा कंप्लीट कर लिया एक आँख उसके बाद दूसरा कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे करने से छोटा बड़ा होता है। तो दोनों को एक साथ साथ करो, लेफ्ट साइड में जो लाइन दे रहे हो राइट साइड में भी तुरंत बाद वही लाइन दे दो, तो उसका दोनों का साइज एंड शेप सेम तरीके का होता है ऐसे। तो मैं वैसे ही फॉलो कर तो देख रहे हो आप लोग। उसके बाद फाइनली प्यूपल ड्रॉ करो। बहुत लोग पहले प्यूपल से शुरू करते हैं, नहीं, पहले बाकी सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद आँख का जो प्यूपल है वो करना है। और बहुत ही साफ सुथरा करो, क्योंकि गंदा करोगे तो बाद में शेडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो ये हो गया है देखो। अब बाकी यहाँ पर जो लिप्स का पोर्शन है, लिप्स थोड़ा ऐसे फुला हुआ है ऊपर, अपर लिप्स, और जो शेप है वो शेप को ध्यान दो, छोटा साइज का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ऐसे विथ थोड़ा छोटा है। और यहाँ पर सर्कल से कहाँ पर टच हो रहा है, नाक से कितना नीचे है, बीच का जो वर्टिकल लाइन है उसके लेफ्ट साइड में कितना है, राइट साइड में कितना है, ये सारी चीज़ें ध्यान देना है, इससे शेप और जो साइज़ है वो मैच करने में आप लोगों को हेल्प होगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद उसके बाद आप लोग जो फाइनल जो आउटलाइन है फेस का वो कर सकते हो। या फिर रेफरेंस फोटो को मैं हटा, रेफरेंस फोटो से जो आउटलाइंस है, रेफरेंस मतलब लूमिस लाइंस है वो मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, आप लोग रख के भी कर सकते हो। यहाँ पर मुझे देखने में आसानी हो रहा है इसलिए हटा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ये स्टेप बहुत ही टाइम देकर करना है, ये जो पूरा ड्राइंग है वो मुझे करने में एक से डेढ़ घंटा लगा था, ठीक है, अराउंड 1 to 1:15 ऐसा। तो आप लोगों को मिनिमम तो ऐसे डेढ़ घंटा दो घंटा तो देना ही है, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है फिर और भी प्रैक्टिस करो, पर उससे भी कम टाइम दे रहे हो तो इसका मतलब तो ये है कि आप टाइम ठीक ठाक नहीं दे रहे हो, ठीक है। टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिटेलिंग में ध्यान देना है, डिटेल्स जो है वो देखना है, फेस का जो शेप है वो समझना है, यूनिक क्या क्या चीज़ है फेस में। हर एक इंसान का फेस दूसरे से अलग होता है कुछ कुछ यूनिक चीज़ों के लिए, तो वो यूनिक चीज़ें ढूंढना है। यहाँ पर जैसे कि आदित्य राव हैदरी का जो आँख और आईब्रो का पोर्शन है वो बहुत ही यूनिक है, नाक का जो पॉइंट है वो बहुत ही यूनिक है, लिप्स ये थोड़ा यूनिक चीज़ें है जो दूसरों से उनका फेस अलग करता है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेज में मैंने वैसे जो सिंपल शेप्स है उसमें ध्यान देना दिया था, अब जाके डिटेलिंग में देख रहा हो। ये डिटेलिंग करने से पहले आप लोग श्योर हो जाओ कि आपका ड्राइंग ठीक ठाक बना है, मतलब आप लोग डिटेलिंग तभी दो जब फेस ऐसे 70% 80% मैच करने लगे, उसके बाद जाके ये डिटेलिंग करो, क्योंकि ये अगर एक बार कर लोगे तो इसे इरेज करने से ठीक से इरेज नहीं होगा। तो फाइनल लाइनिंग से पहले आप लोग थोड़ा सेल्फ क्रिटिसिज्म करो, देखो कहीं पर गलती हुआ कि नहीं, थोड़ा टाइम देकर उसके बाद ये स्टेज फाइनल जो स्टेज है उसमें जाओ। फाइनली मैं यहाँ पर फेस में थोड़ा हैचिंग दे रहा हूँ, फेस का लाइट एंड शेडो को थोड़ा डिफरेंशिएट करने में, इससे भी फेस मैच होता है, क्योंकि लाइट एंड शेडो अगर ठीक ठाक नहीं है सिर्फ आउटलाइन से कभी कभी फेस ठीक से समझ में नहीं आता, तो ये आप लोग कर ले सकते हो। रेफरेंस फोटो विथ लूमिस लाइन, मेरा जो ड्राइंग है ये सारा जो है इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके ज़रूर करना, और मेरे साथ आप लोग शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ओके, सो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पर जाके मुझे ज़रूर फॉलो करना। फॉर नाउ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।